साथियों, हमेशा की तरह आज भी जो है मैं कुछ आप लोगों को संदेश देने जा रहा हूँ। एमडी साहब का, हमारे रेड्डी जी का जो ऑडियो आया हुआ है उसके अनुवाद करते हुए आप लोगों को मैं कुछ खुलासा देना चाहता हूँ। कृपया सुनिएगा, सुनने के बाद ना भूलिएगा कि इस संदेश को जो है आप अपने टीम के हर व्यक्ति को तक पहुँचाएँ। और हमेशा ही किवो के बारे में जब भी किसी सदस्य का विचार आए तो वो खुशी से झूम जाए, खुशी की लहर जो है उसके शरीर पे घर कर जाए। ऐसा जो है हमारा संदेश उन तक पहुंचना चाहिए। तो साथियों, इसी तारतम्य में कि जब से कि वो कॉइन केबीसी कॉइन एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ है और उसका जो बढ़ता हुआ कीमत है, उसके जो बढ़ती हुई कम्युनिटी है इंटरनेशनल एक्सचेंज में, वो साफ साफ दोहराता है कि हमारा जो किवो कॉइन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कीमत वाला कॉइन है जो लोगों को पैसा देकर रहेगा। तो साथियों, एमडी साहब कहते हैं कि उन्होंने इसके पहले जो ऑडियो दिया था कि परिवार के सदस्य जो अपना अपना मत व्यक्त करें कि उनको यहाँ छोड़ देना है बिजनेस या लेकर आगे बढ़ाना है, तो उनको परिवार के लगभग बहुमत सदस्यों ने जो है अपना इरादा जाहिर किया है कि वो डैडी जी को फॉलो करेंगे, डैडी जी के निर्देशों के अनुसार जो काम करेंगे। और फिर उन्होंने पूरा पूरा हक दे दिया है डैडी जी को कि आप जैसे भी करते हैं वो उचित ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि एक्सचेंज में लॉन्च करना आसान बात नहीं है, वह ऐसा कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो बहुमत ने उनको जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और बहुत ही आभारी हैं हम सबके प्रति। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी हमारा जो कॉइन है, कॉइन मार्केट कैप और कॉइन किवो में भी लिस्टिंग हो चुका है और फिर इसका जो मांग है यल बैंक में करने का वो भी जो है पूरा होने जा रहा है। सारे कार्यक्रम जो हैं शुरू किए जा चुके हैं कि यल बैंक में लिस्टिंग कैसे करें इस बारे में। और उन्होंने कहा है कि हमारा जो केबीसी है वो एक बहुत ही बढ़िया कॉइन है, बहुत ही कीमती कॉइन है, क्योंकि इसके पास जो कम्युनिटी है संसार में किसी के पास भी, किसी कॉइन के पास भी नहीं है। दूसरी बात, इस कॉइन की जो यूटिलिटी का जो प्लेटफॉर्म है इतना चौड़ा और लंबा और विशाल है कि किसी कॉइन के पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, यूटिलिटी की सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए हमारा केबीसी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कॉइन है और इस कॉइन को जो है पैदा कर उसको पाल पोस कर बड़ा करने में जिसने भी अपना मेहनत लगाया है, जिस सदस्य ने मेहनत लगाया है, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि लोगों को जो है एक पैसा कमाने का मौका दे। तो साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रेड्डी जी कहते हैं कि जिन्होंने भी इस कॉइन को पाला है, पोसा है, उनका सहयोग दिया है, उनके साथ आगे कदम बढ़ाकर मिलकर कदम बढ़ाए हैं, उन सबको वो बहुत ही आभारी हैं। और वो कहते हैं कि उनका जो लक्ष्य है इस कॉइन का जो कीमत को 1 लाख रुपये ले जाने का, वो बहुत ही आसान होते चला जा रहा है, आसान हो रहा है, आसान हो जाएगा, ऐसा वो प्रतीत कर रहे हैं। तो साथियों,
आइए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो कॉइन है और भी एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है, और इससे जो है कॉइन को खरीदने और बेचने की जो कम्युनिटी है वो बढ़ेगी, ट्रेडिंग ज़ोरदार होगा, और जैसे ही इसका नाम है, ब्रांड है पूरी दुनिया में, उसके अनुसार देखा जाए तो हम बहुत ही किस्मती हैं कि ऐसा कॉइन हमारे पास आज हमारे वैलेट में रखा हुआ है। साथियों, उन्होंने आगे कहा है कि अभी जो हमारे परिवार में जो सदस्य हैं, जो मैंने एक्सचेंज के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, ट्रेडिंग के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे कई एक हमारे सदस्य हैं जिनके लिए वो ऐसे वीडियो बनवा रहे हैं जिसको देखते हुए वो दूसरे मोबाइल में जो है उसके निर्देश के अनुसार जो है डाउनलोड करके KYC करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी अक्सर हमने देखा है कि YouTube में जो वीडियोस आ रहे हैं वो बहुत ही स्पीड से बोले जा रहे हैं, उसमें बोलने का जो ढंग है बहुत ही स्पष्ट और धीमी गति का नहीं है। लेकिन अब जो है हमारे डैडी जो हैं नया वीडियो बनवा रहे हैं जिसमें आपको धीमी गति सुनाई पड़ेगा। धीरे धीरे आप जो है उस वीडियो को देखते हुए दूसरे मोबाइल में आप काम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनको एक्सचेंज के बारे में नॉलेज नहीं है, जो एक्सचेंज को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे काम करना आसानी होगा। उन्होंने कहा है कि हमारा जो बैंक में लिस्टिंग होगा और वो 16 तारीख को ठीक 12 बजे जो है लिस्टिंग हो जाएगा, जैसे इसके पहले लिस्टिंग हुआ था। तो बड़ी खुशी की बात है सर दोस्तों, कॉइन जो है हमारा एल बैंक में भी लिस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि बिटमार्ट में जो हमारा कॉइन KBC कॉइन जो बहुत ही चर्चित हो चुका है और ये नंबर एक पर हमारा ठहरा हुआ है, और यहाँ पे किवो कॉइन को ट्रेडिंग करने वाले भी बहुत लोग लाखों में देखे जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। लिहाजा हमारा KBC का जो एक निरख है, निखार है, वो बहुत जल्द जो है तेज होने वाला है, क्योंकि कम्युनिटी इसकी बढ़ रही है और लाखों में जो है इसको लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाखों लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं बिटमार्ट में। और यही कारण है कि इस कॉइन का जो कीमत है 4 रुपये और 5 रुपये के बीच ही ठहरा हुआ है, जो अक्सर जो है किसी कॉइन के साथ नहीं हुआ है, ना होता है। अब से कई ये कॉइन हमारे दुनिया में हैं जिनका जो कीमत है आज भी पैसों में ठहरा हुआ है और रुपया नहीं बन पाया है उस कीमत जो है। तो साथियों, बड़ी खुशी की बात है, डैडी जी ने संकेत दिया है। और भी जो ऑडियो है उसका मैं अब खुलासा देने जा रहा हूँ, सुनते रहिएगा।